बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सुई पावन सुई सुबग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकम् नित्यम् विमलमचलम् सर्वधि साक्षीभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। तत्वदर्शी किसे कहते हैं? तत्व की चाह वाले पुरुष को चाहिए कि वो एकांदेश का सेवन करे, योग साधना को हृदय में धारण करके चित्त को ध्यान में लगावे। अभ्यास इतना उन्नत हो गया, काम क्रोध मद मत्सर मोह लोभ ये विकार शांत हो जाए, इंद्रियों का सहज दमन मन का सहज समन धारणा ध्यान समाधि स्वभाव में ढल जाए, सहज होने लगे, उस वक्त वो ब्रह्म को जानने के लिए योग्य होता है। इस योग्यता का नाम पराभक्ति है और इस पराभक्ति के द्वारा वो तत्व को जानता है। तो भला तत्व है कैसा? तो मुझे जानता है। परमात्मा अजर अमर शाश्वत काल से अतीत अमृत स्वरूप मृत्यु से परे ज्योतिर्मय जिन अलौकिक गुण धर्म वाला उसको जानता है और मुझे जानकर तत्सन वो मुझ में स्थित हो जाता है, उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति काल में भगवान दूसरे ही क्षण में अपनी आत्मा को ही ईश्वरीय गुण धर्मों से परिपूर्ण पाया। एक स्थान पर कहते हैं अर्जुन, इस कर्म को किए बिना न कोई पाया है न प्राप्त कर सकेगा। पूर्व में होने वाले अनंत ऋषि जनकादि इसी कर्म को करके परम निष्कर्मी स्थिति को प्राप्त हुए, किंतु कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित थे, आत्मतृप्त थे, आत्म स्थित थे। उस पुरुष के लिए किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं, प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं। अब उसका कर्म करने से कोई लाभ है? कर्म माने भजन, कर्म माने आराधना चिंतन। अब चिंतन करने से कोई लाभ है न छोड़ने से कोई क्षति है। किंचित भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। यदि कर्म करेगा भी तो सुनेगा कौन, जब आगे कोई सत्ता है ही नहीं। इसलिए फिर भी ये महापुरुष पीछे वालों की हित की इच्छा से भली प्रकार कर्म में बरतते हैं। अब उनका कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं, प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं। आत्मा ही शाश्वत सत्य और वो विदित थे, उससे तृप्त और उसमें स्थित थे। इसी आशय को इस कबीर ने बार बार किया, संतों वेगम देश है मेरा, अचिंत्य है अगोचर है, इंद्रियों से परे बुद्धि से परे, मनुष्य के पास जो यंत्र है इनकी पकड़ से परे। तो बेगम जहां हमारी पहुंच नहीं वो देश हमारा है। तहां ने उपजे मरे न बिन से नहीं न काल का फेरा,
तोहन न सूर्य चंद्र नहीं रजनी नहीं ता अंध उजेरा तोहन न ईश्वर जीवन माया पूजक पूजन चेरा। माँ ईश्वर नहीं माया नहीं पूजने योग्य कोई सत्ता नहीं पूजने वाला कोई पथिक नहीं। गीता कहती है किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं। यदि आंख मूंद के पूजोगे भी तो सुनेगा कौन जब कोई है ही नहीं। ये कहते हैं पूजने योग्य सत्ता नहीं पूजने वाला पति नहीं। आखिर बच्चा क्या कहत कबीर सुनो भाई संतों नहीं ता द्वेत बखेड़ा। मैं हूँ द्वेत माने भगवान अलग हो हम अलग हो इसका नाम है द्वेत। प्रभु जब अलग नहीं रह गया अपने में देखा शाही संत अतीत ता द्वेत का बखेड़ा भी समाप्त हो गया। तो ये है स्थिति दर्शन स्पर्श और प्रवेश के साथ मुझ में स्थित हो जाता है। जो परमात्मा ज्योतिर्मय है वहां ने सूर्य प्रकाशित होता है। न तद्भाष्यते सूर्यो शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न वहां सूर्य प्रकाशित होता है न चंद्रमा न अग्नि ही प्रकाशित होती है। सहज प्रकाश रूप है ज्योतिर्मय है वही मेरा परम धाम है। और कबीर कहता संतों सो निज देश है हमारा। हमारा निजी देश अपना अपना देश है। तहां जाए फिर हंस न आवे भवसागर की धारा। विधि प्रपंच गुण दोष में विश्व की न करतार। संत हंस गुण गहे पे परिहरी बारी बिकार। विधाता का प्रपंच गुण और दोषों से सना हुआ है। वे संत हंस हैं जो ईश्वरीय गुण रूपी दूध ग्रहण कर लेते हैं और विकार रूपी बारी का त्याग। तो ईश्वरीय गुणों को ग्रहण करने वाला उसी गुण ही दूध है पय है। इस पय आहार पर जीवन यापन करने वाले हंस कहलाते हैं। वो हंस ही उस देश में पहुंचते हैं। तो तहां जाए फिर हंस न आवे भवसागर की धारा। फिर आवागमन के प्रवाह में वो कभी नहीं आता। और वहां पर वो ऐसा देश है नैतद भाष्यते सूर्यो ने शशांको ने पावका। सूर्य चंद्र तहां प्रकाशित नाही नहीं नब मंडल तारा। वहां सूर्य चंद्र और आकाश ये आकाश गंगा इत्यादि तारे नहीं आकाश भी नहीं। उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी बिना ज्योति उजियारा। उदय नहीं अस्त नहीं दिन नहीं रात नहीं ज्योति भी नहीं और बगैर ज्योति ही उजियारा। वो सहज प्रकाश रूप है परमात्मा। ये सूर्य चंद्रमा तो उनके तेज के अंश मात्र से प्रकाशवान है। पांच तत्व जिनसे सृष्टि की संरचना होती है कि चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिति अति अधम शरीरा। चिति माने पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इस पंच से निर्मित ये अधम शरीर है। सृष्टि का सारा ये पहाड़ पत्थर सब उसी से निर्मित है। तो वहां पांच तत्व नहीं है। त्रिगुणमयी प्रकृति तीन गुण भी नहीं है और नहीं कोई सृष्टि पसरा किसी प्रकार का जीवात्म और जीवाणु नहीं है। तहां न माया कृत प्रपंच यह लोक कुटुंब परिवार। माया से निर्मित लोक लोकांतरों का प्रपंच नहीं कुटुंब नहीं परिवार नहीं। सुधा तृषा शीत उष्णता सुख दुख को संचारा। माने भूख है न प्यास है कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी वो तृष्णा करे कामना करे। न शीत है न उष्ण है सुख नहीं और सुख दुख का संचार नहीं। आदि न व्याधि आदि क्या होता है आदि माने आधा होता है लेकिन ये आदि और व्याधि ये दो शब्द है कबीर कालीन शब्द है। आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं पाप पुण्य है ऐसे ही आदि व्याधि है। आदि माने जिसका आधार लेते हैं लोग जिसके सहारे जीते हैं वो भी नहीं सहज जीवन है वहां पर आदि नहीं किसी आधार से जीवन नहीं। आधार पर तो व्याधि जरूर होगी वहां किसी प्रकार का भव रोग शरीर रोग नहीं और कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं। आधि न व्याधि उपाधि कछु नहीं
पाप पुण्य विस्तारा और कोई उपाधि भी नहीं, पाप नहीं पुण्य नहीं। ऊंच नीच कुल की मर्यादा आश्रम भरण विचारा, वहाँ कोई कुलीन नहीं, कोई बिना कुल का नहीं, ऊंच नहीं नीच नहीं, कुल की मर्यादाएं नहीं और चार आश्रम नहीं वर्ण नहीं, इनका कोई विचार नहीं। आश्रम और वर्ण योग साधना भगवत पद भक्ति पद के शब्द हैं। इस संसार में तो लोगों ने प्रयोग अवश्य किया लेकिन भ्रामक है। अब बाहर चार आश्रम बताए जाते हैं तो 25 साल तक पढ़ाई, फिर 25 साल गृहस्थ, फिर 25 साल बाणप्रस्थ, फिर बुढ़ोती में 25 साल संन्यास, जब दांत टूट जाए तब चना सिल से पीस के खाने लायक हो जाए तब संन्यास। लेकिन दूसरी एक उपाधि और देखो, सिवाय ब्राह्मण के कोई पढ़ ही नहीं सकता। जब हम चित्रकूट पहुंचे तो बोले फलाने आश्रम में संस्कृत पाठशाला है, तो हम बोले अच्छा तो हम पढ़ाई होती होगी। फिर 5-7 पाठशालाओं का नाम लिया। एक दिन लड़के पहुंच गए वहीं पर, तो बढ़िया तिलक लगाए, पीले पीले वस्त्र पहने और एक ड्रेस में थे सबके सब, तो हमारी समझ में आया कि ये सब महात्मा है। इतनी कम आयु में, अल्प आयु में महात्मा क्यों बन गए, किसने बनाया? तब हमने पूछा इतने संत एक साथ, तो बोले नहीं ये स्कूल के छात्र हैं। हम बोले अच्छा तो ये छात्र है और छात्रों का ड्रेस है। कुछ दिन बाद पता चला केवल ब्राह्मण पढ़ सकता और कोई नहीं, और कोई जिंदगी की जरूरत नहीं, और सब अंगूठा छाप। आज हर जोतो और सदैव जोतो, जब पढ़ाई है ही नहीं, दस्तखत कर नहीं सकते तो कौन तुम्हें नौकर रखेगा? तो एक आफत कर दिया। तो 25 साल हम पढ़ लिए और वेद वेदांतों से हमने पढ़ा, घर में मन नहीं लगता, तो हम सीधे डायरेक्ट साधु हो जाएंगे। तब फिर वो मनाते हैं, मामा कहेंगे ये लेंगे तुम्हें वो देंगे, फिर कौन मनाते हैं, उधर बहुत ड्रामा होता है हमारे बांदा जिला में। तो लड़के को लंगोटी लगा के वन की ओर भगा देंगे, मामा वगैरह जाएंगे तो मना के ले आएंगे। तो पहली बार वो ड्रामा देखा है कि यादव तो हंसत हंसत उलट गया, बोले अरे सरकार उन लौंडा के लंगोटी लगा के खेत दिन जंगल में, और फिर एक गवाह मना लावा वो मान भी गया। लड़का तो चाहता है कब ब्याह हो जाए, उसके जबरदस्ती संन्यास दिए पड़े थे। अब वो बात नहीं रही, पढ़ाई भी नहीं, उस संस्कृत का मुंह भी नहीं देखा उस लड़के ने, फिर भी एक परंपरा एक रस्म अदा की जाती है। तो 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा, फिर 25 साल में गृहस्थ आश्रम, 50 हो गया, फिर 25 साल में बाणप्रस्थ, घर ही में रहो और लेकिन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रहो, ताकि अंतिम लड़का जन्मा होगा वो भी बाणप्रस्थ आश्रम पार करते वो भी 25 साल का हो गया, वो भी गृहस्थ में प्रवेश पा गया। आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई, पिता की जिम्मेवारी खत्म हो गई। जन्म कर्म के पितोर माता, कर्म सुबह सुबह देह विदाता, जन्म और जन्म के बाद कर्म उसको पांव पे खड़ा कर दो, इतना माता पिता का दायित्व है। फिर प्रगति और अगति विधि होनी के हाथ में है, उसके पराक्रम के हाथ में है, उसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं। पिता अपना दायित्व पूरा कर चुका, इसलिए संन्यास, 25 साल संन्यास। उस वक्त औसत आयु 100 वर्ष थी, अब तो 80-85 के बाद घुटने के बल होना पड़ रहा है, कुछ घट गई है डालडा की वजह से, पहले देसी घी था ना। तो यह चार आश्रम, लेकिन इन आश्रमों का प्रयोग मानव मात्र के लिए तो लागू ही नहीं होता, ये पढ़ने गया होगा वो जाने, मूर्ख चपाट के लिए तो न ब्रह्मचर्य आश्रम है, न गृहस्थ है, नहीं बाणप्रस्थ, शिक्षा दी ही कब गई थी। वर्ण साधना के कर्म उन्नत सोपान है, पहले प्राइमरी स्तर, फिर मध्यम और उन्नत और प्राप्ति वाली स्थिति, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गीता में भली प्रकार वर्णित है।
लेकिन उस स्वरूप की प्राप्ति के बाद वो किसी श्रेणी का पथिक नहीं होता। तो आदिन व्याधि उपाधि कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा, ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा, आश्रम वर्ण के विचार नहीं, अधर्म धर्म तहां कछु नहीं, उसके लिए न कहीं अधर्म है और न कहीं धर्म है, जिसको धारण करना था वो तो कर ही लिया। संयम नियम अचारा, अधर्म धर्म तहां कछु नहीं, संयम नियम अचारा, संतो सो निज देह हमारा, वो हमारा देश है। प्राप्ति काल का चित्रण है। गीता में 3-4 स्थान पर यह प्रसंग आया है। कबीर पढ़े तो नहीं थे, लेकिन भगवान ने इसकी अनुभूति उन्हें करा दी। कबीर के आश्रम कुटीर के पास एक वेश्या का मकान था, 3 मंजिला। कबीर अच्छे महात्मा थे, 15-25 भगत रोज पहुंच जाया करें, शाम को खंजड़ी रख दें और फिर भजन शुरू हो जाए। गद्य और पद्य दो तरीकों से उपदेश होता है। ये पद्य में उपदेश है, संतों सो निज देश हमारा, हमें कदाचित ये याद हो गया तो हम घर बैठे बैठे भी गुनगुनाया करेंगे, और गांव भर यदि कीर्तन में बोल दिया तो गांव भर गुनगुनाया करेगा। तो ये उपदेश, इन भजनों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की रक्षा हुई है। जहां पढ़ाई अंगूठा छाप है, वहां ये भजन सबको याद है। जैसे राजस्थान, रात रात भर यही भजन चलते रहेंगे और समझते हैं लोग, अनर्गल नहीं। और दूसरा है जो गद्य में उपदेश दिया जाता, वो तो शाम को लोग पहुंच जाए, खंजड़ी पर हाथ पड़ जाए और भजन होने लगे। वो अप्सरा भी बड़ी नामजद थी, बड़ी अच्छी डांसर थी, कलाकार थी, वहां भी 5-10 आदमी पहुंचे रहे रोज। उस पत्रिया को इस बात का दुख था कि पता नहीं कहां से मुड़िया आके टिक गया। इसकी उपदेश ही सुन के आधा ग्राहक तो भड़क के उधर चले जाते हैं, हमारा तो रोजगारे चौपट है। वो चाहती रही कि इनकी कुटिया फूंक देता कोई तो ठीक रहा। एक दिन जब वो डांस के लिए जहां तैयार हुई थी, कुछ दर्शक लोग बैठे थे और इतने में इधर खंजड़ी पे हाथ पड़ गया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जनारे। तब वो झजक के बोला, वो श्रोता बोले, इन मुड़ियों ने तो दिमाग खराब कर दिया, प्रिय तुम कहो तो इनकी झोंपड़ी में आग लगा दे। तो उसका बहुत दिन से मन था, कर दिया इशारा, झोंपड़ी में लग गई आग। और कबीर पेड़ के नीचे बैठे थे, कीर्तन वहीं हो रहा था नीम के पेड़ के नीचे। तो वो महात्मा और भगत लोग खंजड़ी फेंक के अपनी अपनी बुताने के लिए दौड़े। तो कबीर बोले, रुको रुको रुको, जल जाने दो। वो जानते थे कोई आग तो लगी नहीं, कोई लगाया है, बोले जल जाने दो। वर्षा बीती गई है, जाड़े के लिए पेड़ की छाया बढ़िया है, यहीं धुना रमाएंगे। भजन क्यों छोड़ते हो यार, झोंपड़ी में क्या रखा है, छोड़ो झोंपड़ी झोंपड़ी नहीं बुताया, भजन में लगे रह गए आंख मूंद के अपन। भगवान ने देखा, भगवान का मन कि ससुरी पीछे यहां तक पड़ी कि आग तक लगा दिया, पतरिया के महल के पर्दे में आग छू गई, छप्पर लगता है उससे कुछ नरम रहा वो तो बुत गई, और पर्दे में लग गई, फिर अंदर फर्नीचर में लग गई, पूरा 3 मंजिला महल लगा जलने नीचे से ऊपर तक। और नौकर कंपनी कूद कूद के भाग गए, पड़ गई अकेली। अब मचाई हल्ला, उस सोचा महाराज के पास इतने लोग बैठे हैं, दौड़े तो बुता दें। बोले, अरे महाराज रक्षा करो, हमारे जीवन भर की कमाई इसी में है। और भी खंजड़ी का ताव तगड़ा हो गया और ठाट से गाने लगे सब। वो समझ गई कि आग हमने लगाया, महाराज को मालूम हो गया कि वह आग हम ही ने लगवाया। तब दौड़ के आई और मूड़ी पटक के गिर पड़ी। बोले, अरे महाराज क्षमा करें, हमारा कोई दोष नहीं है, हमारे यारों ने आपकी कुटिया में आग लगा दिया, हमारा कोई दोष नहीं है।
तो कभी नकार रुको रुको खंजड़ी बंद करो भाई, न तुम्हारा कोई दोष है न हमारा कोई दोष है। तुम्हारे यारों ने हमारी कुटिया में आग लगा दिया, हमारे यार ने तुम्हारे महल में आग लगा दिया। ये तो यारों यारों का झगड़ा, उन्हें लड़ने दे, तुम भी ले एक खंजड़ी कर भजन। बोले महाराज अब करूं क्या? बोले भजन कर और क्या करेगी। तो महापुरुष के सामने खल भी आते हैं, सज्जन भी आते हैं, मध्यम भी आते हैं, और सबको राह ही मिलती है। साधु ते हो इन कार्य हानी, इन सन हटी करी हूं पहचानी। साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होती। ओम। भगवान और हमारे बीच में अब तक के सब समन्वय से ये पता चला कि मन ही रुकावट है। इहे व तेर जिते सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मन, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणी ते स्थित। अर्जुन, उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में सारा संसार जीत लिया गया। किनके द्वारा? जिनका कि मन समत्व में स्थित है। भला मन के समत्व में स्थित होने से और संसार जीतने से क्या संबंध है? तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, और इधर इसका मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो रुकावट मन है और संकल्प का ही दूसरा नाम मन ही। संतों मन सबको भरमाया, मन ही आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया। मन ने जगत बनाया, ऊंचा नीचा तन पाया, मन ने ही पाया। ऊंची करनी करिया तो ऊंचा तन, नीची करनी किया तो नीचा तन। तो मन ही आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया। मन ही स्वर्ग नरक भुगतावे, मन से आया जाया। संतों मन सबको भरमाया, मन ही की एक करनी स्वर्ग भेज देती है, मन ही की एक करनी नरक भेजती है। मन से ही आवागमन का चक्कर चलता है, मन से आया जाया। मन ही तीन अवस्था किनी, तीन गुणों में जाया। तीन अवस्था कौन है? जागृत स्वपन सुसुप्ति तुरिया, ई मुक्ति भूपति की पुरिया। तीन अवस्था क्या है? मन ही तीन अवस्था, एक तो बाल्यकाल है, जवानी है, वृद्धावस्था है। सात्विक राजस तामस तो तीन गुणों में हो गया। मन ही तीन अवस्था कीनी, तीन गुणों में जाया। वो दस इंद्रिन का भोग करत है, अंतःकरण कहाया। संतों मन सबको भरमाया, दस इंद्रियों का भोग करता है। अंतःकरण, अंतराल में कार्य करता मन है। बाहर सर्वानिन इंद्रिय कर्माणी, प्राण कर्माणी, प्राणों का व्यापार। बाहर में कार्य करता इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय, और अंतराल में कार्य करता है मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन के ही चार नाम है। संकल्प करने वाली प्रशक्ति का नाम मन। संकल्प के अनुसार बार बार चिंतन होने लगा, रिपीट होने लगा, ये चिंतन करने वाली प्रशक्ति का नाम चित्त। चिंतन करते करते किसी निश्चय पर पहुंच गया तो निश्चय करने वाली प्रशक्ति का नाम बुद्धि, और निश्चय के अनुसार कार्य में प्रणित हो गया तो अहंकार। हमने किया। सब मिलाकर मन को ही चार भागों में बांटता है। ये अंतराल में कार्य करता यही है मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अंतःकरण कहाया, संतों मन सबको भरमाया। मन को जीते बिना जगत में कोई पार ना पाया। मन को जीते बिना संसार में कोई आज तक पार पाया नहीं। पार नहीं पाया तो गया कहां? कह पुरुषोत्तम तीन भ्रम में, फिर भटका खाया। संतों मन सबको भरमाया। अर्जुन ने कहा भगवान, शिथिल प्रयत्न वाला किंतु श्रद्धावान पुरुष
कहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान ने कहा अर्जुन पहले ये समझना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार, साधना किस प्रकार। समझ लेने के बाद स्वल्प अभ्यास भी पार लग गया तो उस पुरुष का कभी विनाश नहीं होता। उस स्वल्प अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वो अभ्यास ही करता है और अनेक जन्मों के परिणाम में वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है, जो मेरा निस्वरूप है। अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो गीता धर्म शास्त्र है। गीता दो चार छह बार पढ़ लेने के बाद, आद्यो पंथ पढ़ लेने के बाद जब साधना समझ में आ जाए तो थोड़ा भी चिंतन पार लग गया श्वास के रहते रहते मरने से 10 दिन पहले ही सही, फिर उस पुरुष का कल्याण में कोई बाधा नहीं है, समय चाहे जो लग जाए। गीता, ये भगवान बुद्ध, महावीर, कागभूषण, हमारे गुरु महाराज, सबके पूर्व जन्म का रिकॉर्ड है। पिछले जन्म में एक महात्मा को भोजन कराया था, एक का दर्शन किया, एक लकड़हारे ने, वो देखता रह गया दो एक घड़ी। वो दृश्य उसने जीवन में पहली बार देखा। जंगल में एक महात्मा भटक के आगे उसको देखता रहा। वो गरीब आदमी, बात करने का तो उसका साहस ही नहीं हुआ, देखा जरूर। केवल उतने से पुण्य से अगले जन्म में दो संतों को भोजन कराया, फिर उस पुण्य से तीसरे जन्म में सत्संग सुना, चौथे जन्म में साधु हो गया, 24वें जन्म में तीर्थंकर, स्वयं पावन और दूसरों को पवित्र करने की क्षमता वाले महावीर हो गए। तो अनेक जन्म संसिद्धि ही तत्व याति परम गति, अनेक जन्मों के परिणाम में ये शीतल प्रयत्न वाला पथिक भी वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। भगवान बुद्ध के 200 जन्मों का उल्लेख है। इस जन्म में जन्मते ही ज्योतिषाचार्यों ने कहा ये साधु हो जाएगा या चक्रवर्ती सम्राट होगा अथवा बहुत बड़ा महापुरुष आचार्य होगा। तो उसके पिता सुदोधन ने कहा कि बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो जाए लेकिन साधु ने होने पाए, साधु ने होने पाए, बड़ा उपाय किया, ऐसी जगह में शिक्षा दीक्षा आरंभ किया जिन वाटिकाओं में पतझड़ नहीं होती थी, एक साथ ठूंठ नहीं होता था पेड़, उन ऐसे वृक्ष लगवाए गए। फिर उस पाठशाला में पढ़ाई हुई, साधु की चर्चा मत करना, ऐसो इज्जत की बातें सिखाओ, राजकाज पराक्रम पुरुषार्थ बताओ। किंतु फिर जब राजकुमार की सवारी निकली बाहर तो राजा ने कहा देखो सब हृष्ट पुष्ट व्यक्ति रास्ते में दिखाई पड़े, रोगी ने दिखाई पड़े, वृद्ध ने दिखाई पड़े, कोई मनुष्य की लाश ने दिखाई पड़े, कहां मनुष्य का प्रबंध, कहां भगवान की व्यवस्था। एक पछाड़ खा के मिर्गी का रोगी गिर पड़ा। बुद्ध कूद गए रथ से, बोले अरे गिरा क्यों, ये नाक क्यों रगड़ रहा है, सीधा किया तो उसे और भी ऐंठता चला जा रहा था। बोले भाई हुआ क्या, ये भला आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। बोले ये है रोग। बस उठ चले आए। बुद्ध बोले रथ घुमाओ, अब नगर भ्रमण नहीं करेंगे। रात भर नींद नहीं आई, ये सुंदर स्वस्थ शरीर के पीछे इतना घातक रोग कि उसको गंदी नाली का और अपने नाक का भी पता नहीं। 7 दिन बाद फिर सवारी निकली, बोले बुलाओ जरा मैं देखना चाहता हूँ संसार। खोला तो आदमी लेटा था, 32 साल आयु। बोले अरे ये श्वास क्यों नहीं लेता, हिलता क्यों नहीं, ठंडा क्यों पड़ गया, बात क्या है, डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ। बहुत बहुत बड़े दयालु थे। उपचार, बोले नहीं मर चुका है। बोले बस अब नहीं लेगा श्वास। बोले नहीं, ये वैद्य डॉक्टर कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं। बस लौट आए, अर्ध रात्रि को घर छोड़ के निकले। कहां मनुष्य की व्यवस्था, कहां वो होनी का प्रभाव। तो शिथिल प्रयत्न वाला साधक भी अनेक जन्मों के परिणाम में वहां पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति परम धाम है। अगले जन्म में आकंठ विषयों में डूबा होने पर भी अन्नायासी पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है, वहां पहुंच जाता है जहां गुरुकुल है। और सीधे बुद्ध पहुंच गए गुरुकुल अलार कालम।
रामपुत्र उद्रक इन महापुरुषों के आश्रम में पहुंच गए, भटक के पहुंच गए। पूर्णत्व प्राप्ति के बाद जब उत्तरी पुत्री भय पारा तो सदगुरु कौन है हमारा, वहाँ गुरु के द्वारा प्रदत्त गुरुत्व प्राप्त हो जाने पर गुरु गुरु ही बना देता, चेला कभी नहीं, गुरुत्व पा लेता है। तो गुरु ने चेला पुरुष अकेला एक स्थिति है, उस स्थिति का चित्रण करके पीछे वालों ने लिखना शुरू कर दिया, बुद्ध का कोई गुरु ही नहीं था। यदि गुरु नहीं था तो गुरु पर बल क्यों देते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि क्यों कहते हैं, गुरु की जरूरत कौन है, जब बगैर गुरु ही मुक्ति मिलनी है तो बुद्ध की शरण क्यों भेज रहे हैं। ये पीछे वालों की गणित है, वो अपने गुरु को बड़ा बनाने के लिए। शरीर एक आश्रम है, आश्रय स्थली है, बड़े भाग्य से मिला है ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। एक वस्त्र है, दुर्लभ मानव तन को पाकर भजस्व माम अर्जुन, देव दुर्लभ अनित्यम असुखम, अनित्य आज है तो कल नहीं रहेगा, सुख रहित है किंतु है दुर्लभ, ऐसे तन को पाकर मेरा भजन कर। तो गीता के अनुसार भजन करने का उन सबको अधिकार है जिन्हें ये मानव तन उपलब्ध है। तो शरीर तन बिन वेद भजन नहीं बरना। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।